वेलकम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अनदर पीआर रिव्यू वीडियो। ये पीआर मुझे कैलरीज कटर की तरफ से रिसीव हुआ है। इन्होंने मुझे केटो रोटियां भिजवाई हैं जो जो 10 रोटीज़ का पैक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। ये स्पेशली डाइट के लिए या फिर जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ये देखें, इसमें जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे 150 कैलोरीज होती है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 10 ग्राम होती है, फाइबर इसमें 8 ग्राम होता है, और ये प्रोटीन इसमें 7 ग्राम होता है, और फैट इसमें 6 ग्राम होता है। और ये स्पेशली इन्होंने स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए, वेट लॉस के लिए और डाइजेशन के लिए बनाई है। और ये जिनको ग्लूटेन का मसला रहता है वो लोग भी इस रोटी को इसीलिए खा सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको ये रैप खोल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो रोटी है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये रोटी जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। सो सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है वो है कोकोनट फ्लोर, और सेकंड इसमें यूज़ हुआ है फ्लैक्सीड फ्लोर, और थर्ड इसमें यूज़ हुआ है इस्तबगोल, यानी जो हम गंदम वगैरह खाते हैं यानी आटा वगैरह, तो उसमें जो होता है ज़्यादा होती है कैलोरीज वगैरह होती है, ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए या वेट लॉस के लिए जो कि बेनिफिशियल नहीं होता, तो उसके लिए ये रोटी स्पेशली डिज़ाइन की गई है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और इसको मैं आपको खा के टेस्ट करके बताती हूँ। इसको सबसे पहले इसको यहाँ से अनरैप करेंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है, जस्ट आप इसको माइक्रोवेव कर लें, क्योंकि ये तकरीबन बनी होती है, बस इसको आप जस्ट इसको माइक्रोवेव कर लें, और या फिर इसको तवे पे या पैन पे आप इसको थोड़ी देर इसको पका लें, यानी थोड़ी सी गर्म कर लें। अलावा इसको आपको ऑयल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जैसे कोकोनट फ्लोर यूज़ हुआ है, तो इसकी ऑलरेडी इसके अंदर ही जो है कैलोरीज वगैरह यानी ऑयल वगैरह इसके अंदर ही होगा, तो इसको ऑयल भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोटी मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से, ये इस तरह से है इसकी जो इसको खोलने के बाद जो इसके अंदर से खुशबू आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, लाइक जैसे बेकरी से आती है ना वैसी वाली। तो मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। आप इसको ट्रैवल पे भी लेके जा सकते हैं, कि आप कहीं जा रहे हैं या कोई लंच बॉक्स वगैरह में लेके जा सकते हैं, आप कहीं से भी इसको ओवन करें और खा लें, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको इसको पैन में बना के दिखाऊंगी। पैन मैंने गर्म कर लिया है, पैन गर्म होने के बाद इसमें मैं रोटी ऐड कर लूँगी, और रोटी को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ये तकरीबन कुक है, बस इसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है और इसको खा लेना है। ये जो है इसमें हाई प्रोटीन्स है, लो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए गए हैं, उसके अलावा ये ग्रेन फ्री है, यानी इसमें कोकोनट फ्लोर और उसके अलावा यहाँ पे फिक्सीड फ्लोर और इस सब गोल जैसा मैंने आपको बताया उससे मिलाकर ये बनाई गई है। दोनों साइड से ही इसको हम कुक कर लेंगे। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, कि अभी मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। ये रोटी मेरी गर्म हो गई है, तो अब इसको मैं निकालूंगी। इस रोटी को आप वेजिटेबल के साथ या फिर आमलेट के साथ या किसी भी सालन के साथ इसको खा सकते हैं। मेरे यहाँ पास यहाँ पे फ़िश है, तो मैं आपको फ़िश के साथ इसको खा के दिखाती हूँ, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है ये, खा के दिखाती हूँ। यम्मी, इसमें ना कोकोनट का भी टेस्ट आ रहा है, इस्तबगोल का भी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत टेस्टी है। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो इनके पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, तो आप जाएं और इनके चैनल पर जाके इनसे आप पूछें, इसके बारे में मालूमात लें, और वहाँ से आप इसको ऑर्डर करें। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, 100% रेकमेंडेड है। सो गो एंड चेक दिस पेज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर सेंडिंग मी। अल्लाह हाफिज़।